Hi friends, welcome back to our channel and welcome to our new vlog. Yes. तो मैं आज जा रहा हूँ पुणे, मुझे छोड़ के, इसको छोड़ के. एक्चुअली पहली बार छोड़ के जा रहा हूँ ना. हाँ. इसलिए अकेली तो नहीं रहेगी, उसकी जो बहन है वो रहेगी इसके साथ. अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकता ना, तुम तो नहीं हो ना, तो पुणे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी कंपनी स्विच किया है. तो ये जो नई कंपनी है वो पुणे में है और हम पुणे मूव कर रहे हैं. यस यस, वो तो पुणे मूव करेंगे हम मई पे, बट उसके पहले मुझे जाना पड़ेगा एक्चुअली वो घर वर ढूंढने के लिए. और ऑफिस का भी कुछ काम है इसको. हाँ, ऑफिस का भी वो छोटा मोटा काम है, वो भी खत्म करना है. yes. और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट घर ढूंढना है. हाँ. वो घर जो इसको संभाल सके, हमारे दो छोटे मिनी डुगू है उनको संभाल सके. yes. तो उनके लिए घर ढूंढना पड़ेगा ताकि जाके हम इमिडिएटली मतलब मूव कर सके. बट डोंट वरी, हमारी व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी. वो अपनी जगह पे करेगा और मैं यहाँ पे. yes, आपको लॉन्ग डिस्टेंस व्लॉगिंग देखने को मिलेगा. हाँ ना, लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, हम व्लॉगिंग करेंगे. हम लॉन्ग डिस्टेंस व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे. yes. तो चलिए, वैसे भी टाइम हो गया चलने का. हाँ, तुम्हारा फ्लाइट का टाइम हो गया. फ्लाइट का टाइम हो गया है. चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा घर ढूंढने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. yes. अपना चलते, ये पूरे ब्लॉग में आपको पता चलेगा. मिनी डुगु पापा जा रहे हैं पुणे. ठीक है, पुणे जा रहे हैं. पापा को मिसी मत करना. ठीक है मिनी, तू बड़ी है ना, डुगु भाई का और मम्मी का ख्याल रखना. हाँ हाँ, रखेगी ना मेरी बेटी, रखेगी ना. ज्यादा बदमाशी मत करना. ये अगर बदमाशी करे ना तो मुझे फोन करके बोलना. और तुम क्या करोगे फोन पे? फोन के थ्रू ही गाली दूंगा उसे. फोन के थ्रू गाली दोगे? फोन के थ्रू ही गाली दूंगा उसे. ठीक है, ओके चलो चलते हैं पापा. बाय बाय. ये क्या, अभी से दुखी होगी क्या? डुगु को देखो, दुखी वो है. डुगु दुखी नहीं है, डुगु को नींद आ रहा है. डुगु का शक्ल ही ऐसा है. हाँ, डुगु का शक्ल ही ऐसा है. ये दुखी है शायद. आ जाएगा पापा, पापा आ जाएंगे. बस एक वीक. yes. एक वीक ही एक है. वीक भी नहीं, 5 days, only 5 days. चलो फिर से पापा पारी पारी करेंगे तुम्हें. yes. चलो पापा बाय बाय बोलते हैं. बाय बाय पापा, बोलो बाय बाय पापा. बाय बाय पापा, चलो बाय बाय. चलो मैं निकलता हूँ, दुआओं में याद रखना. दुआओं में याद रखना. कौन सी कॉल करना? हाँ मिनी, मिनी बाय बाय. बाय मिनी, मिनी बाय. डुगु बाय. सो दोस्तों, फाइनली मैं पुणे पहुंच गया और होटल में भी चेक इन कर लिया. और अभी कुछ ऑफिस का कुछ काम बचा है, वो करना है. फिर चलते हैं अकोमोडेशन हंट पे. आपको दिखाता हूँ, मतलब जो जो घर मैं देखूँगा वो सब आप भी देखेंगे मेरे ज़रिए. चलिए चलते हैं अकोमोडेशन हंट पे. हे पीपल, गुड मॉर्निंग. अभी बज रहे सुबह के 9:30 और अब मैं उठी. तो कल आपने देखा कि सिद्धांत तो चला गया, वो शायद वहाँ पे जाके पहुँच गया होगा. वो 4:30 और 4:50 तक वो पहुँच गया वहाँ पे. और मैं कल कुछ वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो नहीं है मेरे पास. मैं मिस कर रही थी उसे, इसलिए मुझे मन नहीं किया वीडियो बनाने का. तो कल का कोई वीडियो नहीं बना मेरे से. और आज सुबह मैं अभी उठी, डुगु मिनी को खाना दे दिया और अब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से. तो एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम दोनों जाएंगे. फिर हमने डिसाइड किया कि मिनी डुगु यहाँ पे अकेले है और घर ढूंढना एक दो दिन का काम तो बिल्कुल नहीं है. तो इसीलिए सिद्धांत वहाँ पे घर ढूंढेगा, कोई अच्छा वाला घर देख के. फिर वहाँ की जो भी प्रोसीजर होगा वो सब वो ख़त्म करेगा. हम मई तक शायद हम शिफ्ट कर लेंगे. तो चलिए देखते हैं वो कहाँ पे है, घर ढूंढ रहा है और उससे थोड़ा ऑफिस में भी काम है तो वो शायद आज ऑफिस भी जाएगा. चलिए उससे मिलते हैं.
तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ हाउस हंट के लिए। ये मैं आ गया हूँ मेरे पहले घर को देखने के लिए। ये जो अपार्टमेंट है ये है पार्क इन्फिनिया, और मैं अपने एजेंट का वेट कर रहा हूँ। वो आने के बाद बिल्डिंग को देखेंगे, सॉरी अपार्टमेंट को देखेंगे। पहले वाले घर का वीडियो तो देख लिया, और घर काफ़ी अच्छा था, बट उसका एक ही मतलब डिमेरिट तो नहीं बोलूँगा, बस खाली रेंट थोड़ा सा ज़्यादा था और ब्रोकर के थ्रू भी था, इसलिए मैं अभी के लिए उसे होल्ड पे रख रहा हूँ और बाकी सारे घर देख रहा हूँ। घर तो अच्छा है, बट देखते हैं बाकी सारे घर भी देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरे घर की तरफ, दूसरा घर देखने के लिए, देखते हैं वो वाला घर कैसा है। सो दोस्तों मैं आ गया अभी दूसरे सोसाइटी में घर देखने के लिए। ये सोसाइटी का नाम है गुलमोहर ओरियन, और सोसाइटी ही मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट अभी तक मैंने अपार्टमेंट देखा नहीं है, जो फ्लैट है वो देखा नहीं है। चलिए आपको दिखाता हूँ, मुझे सोसाइटी ही अच्छा नहीं लग रहा है, बट और मिनी और डुगू को भी कुछ खास पसंद नहीं आएगा ये सोसाइटी। बट ऐसे ही मैंने ओनर को बोल दिया था कि चलो देखते हैं, क्योंकि घर भी ढूंढना है और ये ओनर की तरफ से है, तो इसलिए चलिए देखते हैं ये अपार्टमेंट कैसा है। तो दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र में आए हो और वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया है ना, तो मैं अभी लाया हूँ अपने लिए वड़ा पाव खाने। घर भर से बाद में ढूंढते हैं, पहले वड़ा पाव खाते हैं। चलो ये देखिए, ये रहा वड़ा पाव, और पता है ये मैं 8 साल के बाद खा रहा हूँ। पहले जब रहता था ना पुणे में, 2013 से 2015 तक जो मैं रहा, इतना वड़ा पाव खाया बाप रे, और आज मैं 8 साल के बाद खाने वाला हूँ। ओहो हो, मुंह में अभी से पानी आ गया। I am loving it. ओहो, आत्मा शांति हो गया। अब चलो घर देखने चलते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आपने वो पिछला वाला घर देखा, और वो घर भी इतना अच्छा नहीं था, सोसाइटी एकदम छोटा था, वो वही सोसाइटी में ही ओनली 14 फ्लोर्स थे, और ये मिनी डुगू के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मिनी डुगू के लिए कोई एक खेलने के लिए भी जगह नहीं था, तो इसलिए वो घर पूरा कैंसिल करना पड़ा। तो अभी जा रहा हूँ एक नए सोसाइटी पे, जो कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रैंड बे, जेमिनी ग्रैंड बे। वो भी एक अच्छा सोसाइटी है, मैंने गूगल पे चेक किया था, और वहाँ पे भी डीलर के थ्रू ही है, वहाँ पे किसी ओनर का नहीं मिला, तो चलिए देखते हैं वहाँ पे वहाँ का फ्लैट कैसा है। सो दोस्तों मैं आके अभी पहुँच गया हूँ ग्रैंड बे सोसाइटी में। सोसाइटी तो बाहर से तो अच्छा लग रहा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है सोसाइटी। सोसाइटी का व्यू तो अच्छा है बाहर से, अब अपार्टमेंट देख के ही पता चलेगा कि अपार्टमेंट कैसा है, मिनी डुगू को सूट करेगा या नहीं। ऑब्वियसली बाहर का सोसाइटी तो मिनी डुगू को सूट करेगा ही, वॉकिंग के लिए बहुत जगह है, गार्डन भी है। अंदर का अपार्टमेंट देखते हैं और इसका रेंट भी बजट में है या नहीं। चलिए अपार्टमेंट देखते हैं।
दोस्तों जैसे कि आपने वो ये थर्ड और फोर्थ वाला जो घर देखा वो बेसिकली सेम ही सोसाइटी का है, वो जो ग्रैंड बे सोसाइटी है वो दोनों सेम ही सोसाइटी के हैं। और जो थर्ड वाला घर था वो बेसिकली थोड़ा मतलब बजट से थोड़ा ऊपर जा रहा था, इसलिए मतलब घर अच्छा था, घर जो है मतलब जैसे कि आपने देखा वो फोर्थ फ्लोर पे था, बट सनलाइट वगैरह स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा था, बट ये रेंट थोड़ा बजट के ऊपर जा रहा था इसलिए मैंने स्ट्रेट कट उसे रिजेक्ट कर दिया। फोर्थ वाला घर वो भी सेमी सोसाइटी पे बट 10th फ्लोर पे है और इसका बजट के आसपास ही है, तो ये वाला मैंने होल्ड पे रखा है। तो जो फर्स्ट वाला घर और ये फोर्थ वाला घर, ये वाला घर मैंने होल्ड पे रखा है, देखते हैं कौन सा वाला फाइनली मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं बाद वाला घर, अगर मतलब हो सके कि इसका बाद वाला घर शायद इन दोनों से भी अच्छा हो कम प्राइस में, देखते हैं। सो दोस्तों आज है फ्राइडे और मैं बेसिकली चार घर देख चुका हूँ और आज पांचवा घर देखने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके आगे नहीं देखूँगा मैं, अरे यार बहुत पंगा है, पांच घर देखूँगा और दो ऑलरेडी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, दो रिजेक्ट किया हुआ है, ये वाला घर देखता हूँ ये वाला घर कैसा है। तो ये सोसाइटी में जाके आपको दिखाऊंगा, इसका भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, पांच से ज़्यादा मैं नहीं देखूंगा, इसी पांच में ही मैं जो सिलेक्ट करूंगा और देखते हैं ये वाला घर कैसा है। तो दोस्तों ये मैं आ गया अभी पांचवा और आखिरी घर देखने, इस सोसाइटी का नाम है वैले सोसाइटी और ये है थोड़ा मतलब पुराने टाइप का बट अच्छा है, बस सोसाइटी अच्छा है, देखते हैं इसका अपार्टमेंट कैसा है। ये देखिए ये है वैले सोसाइटी और काफ़ी ऊंचा वाला है बट अच्छा है, ये है इसका एंट्री, अभी चलते हैं अंदर का फ्लैट देखते हैं। मेरा पांचवा और आखिरी घर था और आप खुद भी देख के हंस रहे होंगे कि ये कैसा घर देखा मैंने, मुझे खुद को ही हंसी आ रही है भाई ये ऐसा घर मैंने क्यों देखा, बस कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट रिजेक्ट ये घर, ठीक है पांचों घर में से तीन घर रिजेक्ट और दो घर शॉर्टलिस्ट है। तो मैंने डीलर लोगों से भी थोड़ा टाइम मांगा है कि प्लीज गिव मी एटलीस्ट 12 आवर्स ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि ये दोनों में से मैं कौन सा लूँ करके, तो टाइम लेके सोचते हैं, दोनों घर अच्छा है तो मुझे हर जगह से सोचना पड़ेगा, मेरे लिए ऑफिस का डिस्टेंस और मिसेस कुलराय के लिए कौन सा वाला अच्छा लगेगा, स्पेशली मिनी डुगू के लिए कौन सा घर अच्छा रहेगा और सोसाइटी भी मिनी डुगू के लिए अच्छा होगा या नहीं, एक्सेप्ट करेगा या नहीं, तो हर एंगल से सोचना पड़ रहा है इसलिए देखते हैं टाइम लगेगा थोड़ा डिसाइड करने में। सो दोस्तों इतने लंबे टाइम के बाद एटलीस्ट 12 घंटे या 10 घंटे सोचने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैं ले रहा हूं ये वाला घर, फोर्थ वाला घर। तो ये घर जो है ये चारों तरफ ठीक हो रहा है, मेरे ऑफिस को अराउंड 16 to 17 मिनट्स लगेगा और मिनी डुगू के लिए भी वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है और बड़ी सोसाइटी है, सिक्योरिटी सेफ्टी है और बेसिकली और ये मतलब 3 BHK है और मतलब जो मैं 2 BHK बजट में ढूंढ रहा था वो 3 BHK बजट से थोड़ा ऊपर आ गया, तो मैं बोला चलेगा करके क्योंकि बड़ा घर है और मिनी डुगू के लिए भी बड़ा स्पेस चाहिए, तो ये वाला पार्ट मेरा ख़त्म। तो अभी मैंने बता दिया है जो ओनर को और डीलर को, उन लोगों को भी बता दिया है, एग्रीमेंट भी डन हो गया है, तो फाइनली मेरा काम यहाँ पे ख़त्म और आज मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर वापस। सो आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज सिद्धार्थ आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं।
पूरा 5-6 दिन के बाद वो आ रहा है, तो देखते हैं। अभी एक्चुअली वो अभी नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे, उसकी फ्लाइट इवनिंग को है, वो इवनिंग को आके पहुंच गया। पर मैं खुश तो बहुत हूँ क्योंकि एवरी डे मैं उसे मिस कर रही थी। मैं जितना मिस कर रही थी, मिनी उससे 10 गुना ज्यादा मिस कर रहा है अपने पापा को। तो देखते हैं अब वो क्या कर रहा है। वो शायद अभी ऑफिस में होगा या ऑफिस का काम खत्म कर चुका हो, पता नहीं। खुश तो मैं बहुत हूँ। चलिए आज का दिन बस कैसे कैसे करके निकालना है और इवनिंग को उससे मिलना है। ओ माय गॉड, आई एम हैप्पी। सो दोस्तों, मैं फाइनली घर पहुंच गया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिसेस कुलराय और मिनी डुगो को देखने के लिए। पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, स्पेशली मिनी डुगो का। चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन। तो फाइनली पहुंच गया मैं घर। ये कितना मिस किया मुझे, बहुत सारा। तो फाइनली पहुंच गया घर। घर भी अपना नया वाला घर भी हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हमारा हाउस हंटिंग का जो तरीका है वो अच्छा लगे, तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जरूर करना। एटलीस्ट हमारे लिए नहीं, मिनी डुगू के लिए तो जरूर करना। तो अगले व्लॉग तक बाय। Good night. Take care.